दुख तो जैसे इस भवन में वास ही कर गया है। इधर सती की ये दशा और उधर पिताजी चंद्रमा की जगह एक नया ग्रह बनाने वाले। पता नहीं रेवती और रोहिणी पे क्या बीत रही हो। लाओ सती, हमें ये मिट्टी पिताजी के पास ले जानी है। चलो अदिति। हमको प्रजापति ने यह आदेश दिया है, जब तक वो दोबारा दक्ष रेखा नहीं खींच देते तब तक हम बाहर पहरा देते रहेंगे। चले गए ये सैनिक, वहां पिताजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और हम यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलिए, क्या आप हमारी सहायता करेंगी? क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, परंतु मैं विवश हूँ। पिताजी ने मेरे साथ कुछ सैनिक भेजे हैं, वो अभी आते ही होंगे। वहां भवन में पिताजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे शीघ्र ही भवन लौटना होगा। हमारा अनुष्ठान शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। देवी, परंतु आप इनकी पूजा कैसे कर सकते हैं? इन पर तो श्राप है। देवी, इनके पुत्र का दोष श्रापित शिव की पूजा से ही दूर हो सकता है, इसीलिए हमें आपकी सहायता चाहिए। श्राप के कारण हम सीधे सीधे शिव की पूजा नहीं कर सकते, इसीलिए आप शिव को धारण करें, फिर हम शिव की पूजा करेंगे तो संभव है शिव हमसे प्रसन्न होकर इनके पुत्र के सारे दोष दूर कर दें। आपको शिव की पूजा से कोई आपत्ति तो नहीं? अपने कक्ष में ही थी प्रजापति। कक्ष में थी तो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? धरती समा गई या आकाश निकल गया? कोई कीट पतंगा थी जो सामने से चली गई और तुम्हें दिखाई नहीं दी? ये प्रमाण है तुम लोगों की असफलता और असावधानी का। सचेत क्यों नहीं रहते हो तुम लोग? सती पर दृष्टि बनाए रखने का उत्तरदायित्व तुम्हारा है या मेरा? कमल के फूल, कमल के फूल यहां किसने रखे? किसने रखे कमल के फूल?
या सभी नहीं यहां रखे? नहीं प्रजापति, हमने उनके हाथों में ये फूल नहीं देखे। तुम्हें तो सती नहीं दिखाई दी तो ये कमल के फूल कहां से दिखाई देते? कहीं ये शिव का षड्यंत्र नहीं? ने सती को जाओ, जाकर सती को ढूंढो पर असफल होकर मत लड़ो। जाओ। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे देवी। यदि शिव की पूजा इस प्रकार हो सकती है तो मैं अवश्य करूंगी। चलिए शीघ्र चलिए, इससे पहले कि सैनिक यहां आ जाए हमें यह अनुष्ठान पूरा करना होगा। आइए।